हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर कॉल्ड इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री और इट इज जनरली कॉल्ड पॉलीमर्स। ठीक है, ये हमारे सिलेबस का 15 नंबर का चैप्टर होगा और उसी को हम लोग देखेंगे। तो पॉलीमर मतलब एक्चुअली होता क्या है और उनके टाइप्स कौन से होते हैं, उनको कैसे क्लासीफाई करते हैं, ये चीज़ें, और उनको उनकी प्रिपरेशन रिएक्शंस देखेंगे, कहाँ यूज करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में देखने मिलेंगी। तो डेली लाइफ में अगर हम बात करें तो डेली लाइफ में हम अलग अलग टाइप की जो चीजें यूज करते हैं, सब मटेरियल जो यूज करते हैं, तो अबाउट मैक्सिमम जो नंबर होता है तो 70-60%, तो वो अलग अलग टाइप के पॉलीमर से ही बनी हुई चीजें हम लोग यूज करते हैं। जैसे अलग अलग टाइप के जैसे बकेट्स हो गए, है ना, अलग अलग टाइप के टॉयज हो गए, है ना, या तो फिर अप्लायंसेस हो गए होम के अंदर में हम जो यूज करते हैं, है ना। जनरली ये सारी किस्में आते हैं पॉलीमर में आते हैं, या टायर्स हो गए, है ना, या रोप्स हो गए, है ना, अलग अलग टाइप के हम जो फैब्रिक्स यूज करते हैं वो सारी चीजें किस्में आती हैं, पॉलीमर्स में आएंगी। तो पॉलीमर जनरली हम लोग देखते हैं, तो पॉलीमर मतलब इन द सेंस क्या होता है कि अलग अलग टाइप के मोनोमर्स क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से। तो मोनोमर्स मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर में सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो उसको मोनोमर कह सकते हैं। सिंगल मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होगा मोनोमर कहेंगे। जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक मॉलिक्यूल होगा या इथीन का, तो ये होगा मोनोमर। लेकिन ऐसे ही इथीन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से क्या होने लगते हैं, अटैच होने लगते हैं, नंबर ऑफ CH2 मॉलिक्यूल्स या इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते चले जाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, पॉलीमर बनेगा। मतलब नंबर ऑफ मोनोमर्स एक जगह पे जब आएंगे तो बनेगा क्या, हमारा पॉलीमर बनेगा। एक जगह पे आएंगे तो क्या बनेगा, पॉलीमर बनेगा, और मोनोमर सिंगल मॉलिक्यूल से बनेगा। तो केमिकली पॉलीमर्स कैसे होते हैं, केमिकली पॉलीमर्स आर कॉम्प्लेक्स एंड गेंट मैक्रो मॉलिक्यूल्स, है ना, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। और माइक्रो और मैक्रो में फर्क है ना, माइक्रो मतलब स्मॉल या तो बहुत छोटा सा, और मैक्रो मतलब बड़ा वाला, है ना, तो उसको मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक, जिसके अंदर में क्या होता है, नंबर ऑफ मोनोमर्स क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मोनोमर्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं और वो रिपीट होने लगते हैं, तो उसको रिपीटिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं, है ना। जैसे हम पॉलीथीन बैग देखते हैं, पॉलीथीन बैग, है ना, पॉलीथीन बैग होता है इन द सेंस क्या होता है, पॉलीथीन में कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये जो मोनोमर है ये फिर से क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। आगे जाने के बाद में हम लोग उसकी रिएक्शन देखेंगे, उसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। तो पॉलीमर ये जो वर्ड है तो ये ग्रीक वर्ड है जिसको क्या कहा जाता है, मेनी, है ना, क्या कहा जाता है, मेनी, है ना, मेनी यूनिट्स क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, है ना। पॉली मीन्स क्या होगा, पॉली मीन्स मेनी, है ना, मेनी, और मर होता है उसका यूनिट, उसको कहेंगे यूनिट, है ना। मेनी यूनिट्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं, तो उसको पॉलीमर बोलेंगे। और मोनो मीन्स क्या होगा, सिंगल, मोनो मीन्स क्या होगा बच्चों, सिंगल, और मर का यूनिट होता है सिंगल यूनिट, है ना। तो ये ग्रीक वर्ड से लिया हुआ है पॉलीमर, ठीक है। तो ये एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्ट होते हैं या इंटरलिंकिंग होती है मेनी यूनिट्स का, तो ये ऐसे ही यूनिट्स एक दूसरे से अटैच होते जाएंगे और हमारा बनेगा क्या, पॉलीमर मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, पॉलीमर मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ चीजें पॉलीमर के केस में, ठीक है। अब पॉलीमर्स को अगर से देखें तो पॉलीमर्स के अंदर में अगर से हम जनरली उनके मॉलिक्यूलर मास की अगर से बात करें, है ना, पॉलीमर्स के मॉलिक्यूलर मास की, तो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास जो होता है बच्चों, पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर्स का क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास होता है, जिसके अंदर में मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो उनका अगर से देखें तो 10^7 कितना होता है, 3 to 10^7 यूनिट, इतना उनका क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, मतलब इन बिटवीन, इसके इन बिटवीन होता है 10^3 to 10^7 यूनिट्स में, ठीक। अब दूसरी चीज कि पॉलीमर्स ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक भी होते हैं इनऑर्गेनिक भी होते हैं, लेकिन हमें जो इस चैप्टर में देखना है तो वो कैसे देखना है, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखने हैं, कौन से ऑर्गेनिक पॉलीमर्स,
जैसे हमारा और एक चैप्टर आएगा बायो मॉलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स में हम लोग अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स ही देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये इम्पॉर्टेंट क्या है, ऑर्गेनिक बायो पॉलीमर्स हैं, है ना, जो कि हमारे लाइफ में क्रूशल रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखें तो ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ऑर्गेनिक पॉलीमर्स कैसे बनाए जाते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, प्रिपरेशंस क्या होती हैं, उनके एप्लीकेशंस के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जनरली अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन से, है ना, क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन से। और एक चीज, पॉलीमर्स को, पॉलीमेरिक सब्सटेंस को जिसने डिस्कवर किया था, पॉलीमेरिक सब्सटेंस को स्टॉडिंजर, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है 1953 में, है ना, जिन्होंने क्या किया था, मैक्रोमोलिकुलर नेचर ऑफ पॉलीमर्स शो किया था, है ना, वर्ल्ड को, तो उनको भी मिला है। और एक है 1963 में नेटा, जिनको नोबेल प्राइज मिला विनाइल पॉलीमर, उन्होंने बताया, ठीक है। और 1974 में फ्लोरी हैं, जिन्होंने स्टेब्लिश किया चेन रिएक्शन इन पॉलीमराइजेशन, है ना, तो उन्हें भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। मतलब पॉलीमर्स ये कैसा है, एक ब्रॉड कंसेप्ट है, वाइडली यूज की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग वही देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर को, यहाँ पे इंट्रोडक्शन या कहें क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों हम लोग। तो क्लासिफिकेशन में हाउ टू क्लासिफाई पॉलीमर्स ये देखेंगे क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन करते वक्त में पॉलीमर्स की, ठीक है, तो इनके अलग अलग टाइप से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अलग अलग सोर्स से मिला, तो सोर्सेस के बेस पे भी कर सकते हैं, उनके केमिकल स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर पे भी कर सकते हैं, पॉलीमराइजेशन के केस में भी कर सकते हैं, है ना, पॉलीमराइजेशन, उनके अंदर में कौन से टाइप का मोलिकुलर फोर्स होगा उसके भी बेस पे कर सकते हैं, मोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अब दूसरा कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ मोनोमर कौन से हैं, कौन से टाइप के मोनोमर से वो बना है, टाइप्स ऑफ मोनोमर्स उसके भी बेस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग टाइप हम देखेंगे। अब तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन के बेस में, ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखें, चलिए तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, किसके बेस पे, सोर्स, या तो कह सकते हैं ओरिजिन, ठीक है, सोर्स या ओरिजिन के बेस में, ठीक है। तो अब सोर्स या ओरिजिन के बेस पे हम लोग पॉलीमर्स को क्लासिफाई करते हैं तीन टाइप में। एक होगा नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। अब सेकंड जो होगा वो होगा उसी के आगे देखते हैं, सेकंड जो होगा प्लांट पॉलीमर्स और, है ना, ठीक है, उसी के आगे क्या होगा जनरली, ठीक है, उसको अलग अलग तीन टाइप में हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक ऐसे करते हैं, नेचुरल सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक, ठीक, ऐसे तीन टाइप में जनरली। अब नेचुरल पॉलीमर्स को अगर से देखें तो इनको जनरली दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में, फर्स्ट लेंगे नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स। तो नेचुरल पॉलीमर्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है फर्दर, एक होता है प्लांट सोर्स, कौन सा होगा, प्लांट पॉलीमर्स, जो प्लांट से मिलेगा, प्लांट पॉलीमर्स, ठीक है।
और उसके आगे आएगा एनिमल पॉलीमर, ठीक है। तो पहले प्लांट पॉलीमर को देखें, फिर उसके बाद में एनिमल की तरफ चलेंगे, है ना। तो प्लांट पॉलीमर्स मतलब इनको कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है पॉलीमर्स को, प्लांट से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर में दे सकते हैं एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कॉटन, है ना, कॉटन हो गया, लिनन, है ना, लिनन, ये सब कैसे प्लांट से मिल जाते हैं, कॉटन प्लांट से, ठीक है ना, ठीक है। या तो फिर नेचुरल रबर होगा, नेचुरल रबर, है ना, वैक्स के फॉर्म में जो मिलता है नेचुरल रबर, वो भी होगा, ठीक है। तो ये प्लांट पॉलीमर्स में आएंगे। अब सेकंड जो आएगा हमारा, तो वो कौन सा होगा, एनिमल पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, एनिमल पॉलीमर, ठीक है। तो अब एनिमल पॉलीमर के अंदर में हम क्या कहाँ से डिराइव करेंगे इसको, मतलब कहाँ से ऑप्टेन करेंगे एनिमल पॉलीमर्स को, एनिमल्स क्या होंगे इसके सोर्स होंगे, तो एनिमल से हम लोग पॉलीमर ऑप्टेन करेंगे, डिराइव करेंगे। जैसे वूल, है ना, है ना, वूल इज ऑप्टेन कहाँ से मिलता है, ऑप्टेन हेयर ऑफ शिप, हेयर ऑफ शिप, है ना, शिप होती है ना, भेड़ बकरी बोलते हैं, शिप से मिलती है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे मान लो कि सिल्क, है ना, सिल्क भी एक टाइप है ना, ठीक है, सिल्क भी एक टाइप है, तो उसको कहाँ से ले सकते हैं हम लोग, सिल्क, सिल्क वॉर्म से, है ना, सिल्क वॉर्म कहाँ से मिलेगा, सिल्क वॉर्म से मिलेगा, ठीक है, सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गए नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, ये कौन से हो गए, नेचुरल पॉलीमर्स। अब आगे देखते हैं हम लोग सेकंड जो टाइप हमने दिया था सोर्सेस के बेसिस पे, तो वो होगा सिंथेटिक, ठीक है। नेक्स्ट होगा सिंथेटिक पॉलीमर्स, कौन से होंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स कहाँ से कैसे बनाएंगे हम लोग, सिंथेटिक पॉलीमर्स आर, इसी को कह सकते हैं मैन मेड पॉलीमर्स, क्या बोल सकते हैं, मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है। जो क्यों मैन मेड कहा जाता है, क्योंकि इनको आर्टिफिशियली हम लोग क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन करेंगे इन द सेंस एक मोनोमर को दूसरे मोनोमर के साथ में क्या करेंगे हम लोग, अटैच करेंगे, है ना। तो एक मोनोमर दूसरे से अटैच होगा, दूसरा तीसरे से अटैच होगा, तो ये क्या होगा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। क्या होती है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें क्या होगा कि एक मोनोमर दूसरे से जुड़ते जाएगा, आगे आगे कंटिन्यू, ऐसे ही चेन कंटिन्यू होती रहेगी, तो वो कैसे बनेगा, सिंथेटिकली हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि इसके एग्जांपल दे सकते हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स के हम लोग, जैसे नायलॉन है, है ना, जो रोप वगैरह यूज करते हैं हम लोग, नायलॉन हो गया, मान लो टेरिलीन हो गया, है ना, या तो नियोप्रीन भी हो सकता है, नियोप्रीन, ठीक है, है ना, ये सभी कैसे आएंगे, सिंथेटिकली, है ना। फिर से उनको सब टाइप में डिवाइड किया जाता है ना, सब टाइप्स में उनका नाम बदलेगा, फाइबर बदलेंगे, सिंथेटिक रबर, है ना, प्लास्टिक, ये अलग अलग टाइप में आएंगे। जो ये मैन मेड है, जो कि क्या है, ये नेचुरली ऑकर नहीं होते, तो ये सिंथेटिक में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो चलिए अब आगे देखेंगे, सिंथेटिक हो गया हमारा, अब देखेंगे हम लोग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। अब सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स इन द सेंस क्या होगा कि इनको जो प्रिपेयर करेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, तो किसके कहां से प्रिपेयर करेंगे हम लोग, किसका यूज करेंगे, नेचुरल पॉलीमर का उसके अंदर में यूज होगा, है ना, कुछ इस्तेमाल किसका करेंगे, नेचुरल पॉलीमर। दैट मीन्स दे आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स। कहाँ से डिराइव करेंगे, नेचुरल पॉलीमर का इस्तेमाल करेंगे, नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है,
नेचुरल पॉलीमर्स को यूज़ करेंगे यहाँ पे, है ना। मतलब कुछ पार्ट नेचुरल का रहेगा और कुछ पार्ट सिंथेटिकली हम लोग उसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। और इसी को सेमी सिंथेटिक को ही रीजनरेटेड फाइबर भी कहा जाता है, रीजनरेटेड फाइबर भी कहते हैं बच्चों उसको, रीजनरेटेड फाइबर, ठीक है। अब आगे रीजनरेटेड फाइबर के बाद में अब इसको सेमी सिंथेटिक में अगर से देखें, सेल्युलोज जो डिराइव किया जाता है तो कहां से, सेल्युलोज, है ना। जैसे इसके एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, एग्जांपल क्या देंगे, एसीटेट रेयॉन, या तो दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं विस्कस रेयॉन, या तो फिर और एक एग्जांपल दे सकते हैं सेल्युलोज नाइट्रेट, ठीक है, सेल्युलोज नाइट्रेट, है ना। ऐसे अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं, जो कि ये एग्जांपल कौन से कैटेगरी में आएंगे, सेमी सिंथेटिक के कैटेगरी में आएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है। ये नेचुरल पॉलीमर्स में हमने देखा, है ना, नेचुरल पॉलीमर्स देखा, फिर उसके बाद में सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स हमने देखे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस। ये किसके बेस पे देख रहे हैं, सोर्स के बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, किसका, पॉलीमर्स का। तो ये एक हो गया सोर्स के बेस पे। अब नेक्स्ट जब देखें हम लोग क्लासिफिकेशन पॉलीमर्स का, तो वहां पे देखो सेकंड में कौन कौन से नजर आएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे देखेंगे अभी, है ना। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के बेस पे निकालेंगे, मतलब स्ट्रक्चर कैसा है उस पे से डिवाइड करेंगे हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। चलिए तो अब स्ट्रक्चर के बेसिस में हम लोग क्या देखते हैं कि मोनोमर जो एक दूसरे से अटैच होंगे, तो मोनोमर एक दूसरे से जब अटैच होंगे तो उनकी लिंकिंग या बॉन्डिंग किस टाइप की होगी, है ना। जैसे मान लो कि हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे चेन कॉन्फिग्रेशन हो गया, है ना, चेन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिफरेंस आ रहा है वो भी देखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में स्ट्रक्चर के बेसिस पे करते वक्त में हम लोग जनरली इसको भी तीन टाइप में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पॉलीमर्स आर आल्सो क्लासिफाइड और फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज। जैसे हम बोल सकते हैं लीनियर पॉलीमर्स, सेकेंड होगा ब्रांच्ड पॉलीमर्स और थर्ड होगा थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, उसी को बोलेंगे थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ओके, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का उसका स्ट्रक्चर होगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, है ना, तो उसके हिसाब से, है ना। तो अगर से मान लो कि कोई मोनोमर है, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, लेकिन कैसी चेन बन रही है, लीनियर, मतलब स्ट्रेट चेन बन रही है, सिंपल, सीधी, तो उसको लीनियर बोलेंगे, है ना, लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर में क्या होगा, अरेंजमेंट कैसी होगी, लीनियर अरेंजमेंट होगी, ठीक है, जिससे कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर बनेगा, कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, ठीक है, है ना। अब जैसे मान लो कि पीवीसी है, है ना, लीनियर में कौन सा बोल सकते हैं इसका एग्जांपल, लीनियर में जैसे अल्किन्स हैं, तो अल्किन्स एक दूसरे से ज्वाइंट होते जाएंगे, जैसे इथीन कहा था मैंने, इथीन क्या होगा, एक इथीन का मोनोमर दूसरे इथीन के मोनोमर से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे इथीन के मोनोमर से, ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, तो उससे स्ट्रेट चेन बनेगा या लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा, तो उसी को बोलेंगे हम लोग लीनियर और स्ट्रेट चेन पॉलीमर। एग्जांपल देखो, एग्जांपल जैसे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको लॉन्ग फॉर्म में, या तो हाई डेंसिटी
हाई डेंसिटी क्या बोलेंगे, पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन भी बोल सकते हैं। ओके ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा तो वो आएगा ब्रांच्ड, कौन सा आएगा ब्रांच्ड। अब ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा कि ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी, क्या होगी ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। अब जैसे लीनियर में हम क्या बता सकते हैं, मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे कंटिन्यू यंथ टाइम ये ज्वाइंट होते रहेंगे एक दूसरे से, तो ये चेन बनती जाएगी ऐसे स्ट्रेट में, ठीक स्ट्रेट में क्या होगी चेन बनेगी। ठीक, अब ब्रांच में क्या बता सकते हैं, अब ब्रांचेस होंगे जैसे मान लो ये ऐसे कंटिन्यू चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है ना, तो ये ऐसी चेन बनेगी, यहाँ तो कहीं पे ब्रांचेस होंगे, तो ये इसको कहते हैं हम लोग ब्रांच्ड। ठीक है, ये ब्रांच्ड होगी और यहाँ पे क्या होगा स्ट्रेट चेन बनेगी, है ना स्ट्रेट चेन ऐसे। और ब्रांच में क्या होगा, ये एक चेन होगी फिर यहाँ से ब्रांच निकलेगी, है ना, यहाँ से ब्रांच ऐसे निकलेगी, मतलब एक दूसरे के साथ में अटैच होते हैं ब्रांच टाइप में, है ना। ओके, झाड़ों की जैसे टहनियाँ होती है ना, एक दूसरे से अटैच होते होते चलते हैं, तो ब्रांच में आता है ना ब्रांचेस, जिस उसी को कहते हैं ब्रांचेस। अब ये हो गया ब्रांच, तो ये ब्रांच के अंदर में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, एग्जांपल लो डेंसिटी पॉलीमर, लो डेंसिटी LDPE कहते हैं उसको, क्या कहेंगे LDPE लो डेंसिटी पॉलीमर, इसी को कहा जाता है LDPE। और यहाँ पे हाई डेंसिटी पॉलीमर जो हमने देखा था, ठीक है लीनियर में, तो उसको कहा जाता है HDPE हाई डेंसिटी पॉलीमर एंड दिस वन इज लो डेंसिटी पॉलीमर। ठीक है, तो ये एकदम ब्रांच के लिए हो गए। अभी नेक्स्ट देखें हम लोग, तो वो होगा सी वाला हमारा, कौन सा, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। अब थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते चलते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे ये एक हो गई, ठीक है ये दूसरी हो गई, तो ये एक दूसरे को क्या ऐसे अटैच रहेंगे, ऐसे अटैच होते जाएंगे, ठीक है, तो इसको क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स कहेंगे। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, थ्री डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा दे सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल सच एज बैकेलाइट बोल सकते हैं, बैकेलाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग इसका, फिर एग्जाम्पल देंगे मेलामाइन, एग्जाम्पल मेलामाइन, MELA मेलामाइन, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होंगे, क्रॉस लिंक्ड और थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स होंगे। ठीक है, तो आज के लिए, आज के लेक्चर में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे जो क्लासिफिकेशन आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलीमराइजेशन, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, तो रिवाइज करते रहिए, ठीक है, थैंक यू।